हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेशन सिस्टम के ऊपर। देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में। अभी हमें मालूम है कि हम लोग थ्रू ब्रीदिंग जो है ऑक्सीजन जो है उसका इंस्पिरेशन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपिरेशन करते हैं। बट हमारे अंदर जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड जो है वो क्या करता है, वो इन गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारे टिश्यूज को। ब्लड जो है वो केवल गैसेस जो है उन्हीं का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता, उसी के साथ साथ में अगर हमने कोई फूड खाया है और उसका डाइजेशन किया है तो वो डाइजेस्ट फूड को भी टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करता है। इसी के साथ में ब्लड जो है वो हॉर्मोन्स को, एंजाइम्स को, इनका ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हॉर्मोन्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं थ्रू द ग्लैंड्स। ओके, तो हम ये बोल रहे हैं कि ब्लड जो है उन हॉर्मोन्स का भी वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके अलावा जो किडनीज, हम ये बोलते हैं कि किडनी तक अगर वो जो ब्लड होता है वही वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ जो है हमारी जितनी भी बॉडी की है वो भी टिश्यू से कलेक्ट करके वहाँ पे लेके जाता है ताकि वहाँ पर क्या हो सके, फिल्टरेशन हो सके। इसी के साथ ये मतलब ब्लड जो है वो एक्चुअल में हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेन टिश्यू है। तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सिर्फ हमारे अंदर नहीं है, इसके अलावा और भी जितने भी एनिमल्स हैं उनमें भी सर्कुलेशन के लिए कुछ में सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो कुछ के अंदर हम ये बोलते हैं कि डायरेक्टली, हम ये बोलते हैं कि जो टिश्यूज होते हैं वो डायरेक्टली ये सब वर्क कर लेते हैं, यानी कि वही उनकी सिंगल हम ये बोल देते हैं सेल्स जो हैं वो खुद ही क्या कर लेती हैं, एक्सचेंज भी कर लेती है गैसेस का और एक्सक्रीशन का काम भी कर लेती है। रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है तो गैमेट्स वगैरह प्रोड्यूस करने में भी काम कर लेती है, जिनके अंदर हम ये बोलते हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो हमारे आते हैं, जिनमें हम बोलते हैं टिश्यू लेवल का या फिर हम ऑर्गन सॉरी सेलुलर लेवल का जिनमें बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बट हम हायर की अगर बात करेंगे तो उनके अंदर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुके हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं सब चीजों के बारे में, यानी कि ब्लड के बारे में और ब्लड के साथ में हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। देखिए, इस चैप्टर के अंदर एक ओवरव्यू अगर मैं दे दूं तो चैप्टर के अंदर ब्लड के बारे में बताया है, उसके बाद में उसमें कौन कौन से तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, RH एंटीजन के बारे में, उसके साथ में जो क्लॉट ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो कैसे होती है उसके बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है, उसके साथ में हार्ट जो है वो किस तरह से फ्लो करता है, कार्डियक साइकिल क्या है, ECG क्या है, किस तरह से कंट्रोल होता है मतलब कार्डियक साइकिल का, ये सारी चीजों को इस एनसीईआरटी के अंदर जो हमारे चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया। तो हम हर चीज को पूरा डिटेल में नहीं लेने के बजाय जो मेन टॉपिक्स है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है, बच्चों को हार्ट का डायग्राम ही एक्सप्लेन नहीं रहता है किस तरह से ऐसे नोड फंक्शन करता है, किस तरह से इंपल्स क्रिएट होती है, जनरेट होती है हार्ट में, और कैसे हार्ट जो है फंक्शन करता है, कैसे लब डब का साउंड किस वजह से आता है, कैसे जो है ब्लड का फ्लो एट्रिया से वेंट्रिकल में एंड वेंट्रिकल से आर्टरीज में होता है, तो ये सारी चीजें जो है बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करती है और ECG भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो हम उन मेन टॉपिक्स पे ही आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर और स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द ब्लड, क्योंकि ब्लड जो है वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। अब ब्लड जो है वो अभी थोड़ा बहुत तो हमने डिस्कस किया था टिश्यू के चैप्टर में भी कि ब्लड के अंदर क्या है, दो पोर्शन होते हैं, एक होता है प्लाज्मा पार्ट और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट हिस्सा। ठीक है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं उसको इस तरह से शो करूं कि ये प्लाज्मा है और उसमें जो सेल्स प्रेजेंट है, क्योंकि इनमें फाइबर्स तो प्रेजेंट होते नहीं है, ये भी मैंने डिस्कस किया है, आपको बताया है कि फाइबर्स इनमें एब्सेंट होते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए प्लाज्मा में हम ये बोलते हैं डिजॉल्व कंडीशन में गैसेस भी मिलती हैं हमें। प्लाज्मा वो है जिसमें कई तरह की प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स का मतलब हो गया जैसे कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स है जो ऑस्मोरेगुलेशन का फंक्शन करती है, इसके अलावा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। अब आपको पता है ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है वो डिफेंसिव नेचर की होती है, यानी डिफेंस का फंक्शन करती है। तो इस तरह की प्रोटीन्स जो है वो ब्लड के अंदर हमें देखने को मिलती है। ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉट करने के लिए भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जैसे कि फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन जो है वो क्लॉटिंग करने के लिए है बात ही, यही फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रीन में कन्वर्ट होता है, यानी फाइबर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। देन वो फाइबर जो है वो एक नेटवर्क बनाते हैं जिसके अंदर डेड सेल्स क्या हो जाती है आपकी इस तरह से फंस जाती है ब्लड की, एंड देन ये क्लॉट बन जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो हेल्प करता है। तो प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हैं, प्लाज्मा में प्रोटीन है, प्लाज्मा में वाटर है, प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व गैसेस भी है, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है लाइक ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, वो सब भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
कार्बोनेट, तो ये जो है क्लोराइड, ये सभी जो है ये भी क्या होंगे, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये वही सारी चीजें हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, इससे ज्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है। चलिए, सीरम किसे बोलते हैं? अगर प्लाज्मा में से प्रोटीन फैक्टर को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ जो हिस्सा है उसको हम सबको क्या बोलेंगे, सीरम बोलते हैं, राइट। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज सीरम, सीरम क्या है ना, सीरम से आप क्या समझते हैं, फिर ऑप्शन दे दिए जाते हैं, देन आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए तो वो जो बाकी का है हिस्सा उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, ब्लड का, ठीक है। चलिए, नाउ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आती है सेल्स। अब सेल्स जो है वो कौन कौन सी हो सकती है, आरबीसी हो सकती है, इरिथ्रोसाइट्स, और दूसरी क्या हो सकती है, डब्ल्यूबीसी, है ना, ल्यूकोसाइट्स। तो दो तरह की जो है वो हम बोलते हैं सेल्स जो है प्रेजेंट होती है। अब ये दोनों सेल्स में से आपको मालूम है आरबीसी, मैच्योर आरबीसी जो होती है उसके अंदर हम ये बोल रहे हैं न्यूक्लियस नहीं होता, जो बाइकोन के होती है, आपको पता है आरबीसी के बारे में। तो सबसे ज्यादा मिलने वाली मोस्ट अबंडेंट जो है वो क्या है, आरबीसी है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन करती है किसका, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, आपको पता है आरबीसी के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। तो गैसेस के एक्सचेंज में आरबीसी का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। फिर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी जो है वो अलग अलग तरह की होती है, कई तरह की होती है डब्ल्यूबीसी, और आपको मालूम है डब्ल्यूबीसी जो होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट वो फिर उसमें लोब प्रेजेंट होते हैं कि वो बाइलोब, ट्राइलोब एंड क्वाड्रीलोब जो है वो हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल लोब उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का जैसा उसका हम ये बोलते हैं टाइप होगा, उसका वर्क भी उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल हम ये बोल रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी को हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड किया है, कि डब्ल्यूबीसी के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि या तो वो ग्रेन्यूलोसाइट हो सकती है या फिर ए ग्रेन्यूलोसाइट हो सकती है, कि इस तरह से अगर हम ये बोल रहे हैं कि उसका अंदर साइटोप्लाज्म में इस तरीके से ये ग्रेन्यूल, अगर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो वो ग्रेन्यूलोसाइट हुई, अगर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं तो ए ग्रेन्यूलोसाइट हुई। चलिए, फिर ग्रेन्यूलोसाइट जो है वो दो तरह की है, कौन कौन सी है, एक तो आपकी होती है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी होती है इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है वो कैसी नेचर की होती है, फेगोसाइटिक नेचर की होती है, यानी कि वो सीधा ही क्या करती है, फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी करके किसी भी हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करेगी। दूसरी जो है वो है इओसिनोफिल्स, ये जो होती है एलर्जिक रिएक्शन के अंदर ज्यादा डेवलप होती है, ठीक है। बेसोफिल्स जो है, बेसोफिल्स हम ये बोलते हैं कि ये एक्चुअल में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करती है कहीं पे भी, तो हिस्टामिन सेरोटोनिन का जो है वो हम ये बोलते हैं सिक्रीशन करने का काम करती है। तो यहाँ पे ये याद रखना है किसको सिक्रीट करती है, ठीक है, तो ये हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन, इनको सिक्रीट करने का काम करती है, इन्फ्लेमेटरी फंक्शन होता है। मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ ये चीजें, रीजन ये है क्योंकि हमें जो इस चैप्टर में जिन चीजों में कंफ्यूजन है हम उस पर ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये सब चीजें आप याद कर सकते हैं। चलिए, फिर ए ग्रेन्यूलोसाइट लिम्फोसाइट होती है, और मोनोसाइट लिम्फोसाइट आपको मालूम है ये बी एंड टी लिम्फोसाइट होती है, बोन मेरो में जो बनी, जो थाइमस में बनी वो टी लिम्फोसाइट, जो बोन मेरो में बनी वो बी लिम्फोसाइट, ये इम्यून सिस्टम जो है वो बनाती है हमारा। और मोनोसाइट जो है अगेन ये भी क्या है, ये भी फेगोसिटिक नेचर की होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता है। प्लेटलेट्स जो है ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेटलेट्स जब क्या होती है, डैमेज होती है, तब क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड जो होता है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग होती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो है वो भी आपको मालूम है, इनका काउंट जो होता है ना नॉर्मली कई बार कभी कभी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो ज्यादा बढ़ना भी प्लेटलेट्स का काउंट जो है ना वो भी बड़ा क्या है, खतरनाक हो सकता है, डेंगू होता है तब यही तो होता है ना। चलिए, नाउ नेक्स्ट ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ब्लड ग्रुप आपको मालूम है कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप हो सकता है ए बी, ए बी एंड ओ, ठीक है। तो जिस तरह का उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हम ये बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंट है, वो उसी तरह का क्या होगा, ब्लड ग्रुप कहलाएगा। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल ए ब्लड ग्रुप जो है उसके अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है ए एंटीजन। जो जिसका बी ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, बी। जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन कौन से होते हैं, ए बी। और जिसके अंदर ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर एंटीजन कोई भी नहीं होता। एंटीजन को आप कैसे समझेंगे, एंटीजन को आइडेंटिटी कार्ड होता है उसकी तरह से समझ सकते हैं, कि कोई सेल की आइडेंटिटी, ठीक है। तो आरबीसी की आइडेंटिटी जो है आप ये मान लीजिए, तो वो आइडेंटिटी कार्ड है इनका, कि जिस तरह का उनमें एंटीजन है वो उसी तरह का क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। बट हम भी है ऐसे ही नेचर के होते हैं कि हमारी आइडेंटिटी है कि यस मेरा नाम पूजा व्यास है, लेकिन उसके साथ में बट जब मैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा
तो मैं उसके लिए भी डिफेंस के लिए अपने पास में कुछ ना कुछ रखती हूँ, ठीक है। वो क्या हो सकता है, जैसे कि फॉर द एग्जांपल मैंने अपने पास में हम ये गर्ल्स तो स्पेशली डीओ वगैरह रख लेती है, डीओ रखती है, कोई मुझे मारने के लिए आया कुछ आया तो उसकी आंखों में डीओ डाल देंगे, ऐसा कुछ कर लेती, तो वो मेरी डिफेंस के लिए मैंने अपने पास में एक हथियार रखा, ठीक है। तो वैसे ही हर जिसका भी आरबीसी जो है यानी कि ब्लड ग्रुप जो होता है, तो ब्लड में भी क्या होता है कि उनके अंदर डिफेंस के लिए, अपने डिफेंस के लिए कोई एक हथियार रखा होता है, और वो हथियार क्या है, एंटीबॉडी होती है, जो कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी आ रहा है उसके अगेंस्ट वो फंक्शन करेगी, काम करेगी, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो है, बॉडीगार्ड हो गया ब्लड का, तो ये जो बॉडीगार्ड है ये सब अपने जैसा तो रखेंगे नहीं, जिसकी मेरे जैसी आइडेंटिटी होगी, यानी कि ये मैं बोल सकती हूँ जो मुझे फैमिलियर लगेगा, जो मेरा फ्रेंड होगा, उसको तो मैं नहीं उस हथियार को यूज करूंगी ना उस पर, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हमारी एंटीबॉडी हमेशा हमारे को नुकसान पहुंचाने वाले के लिए उसके अगेंस्ट में होती है, ठीक है। बट जो हमारे हमें हमारा फ्रेंडली लगता है उसके अगेंस्ट हम उसको यूज नहीं करते। तो सेम वैसे ही है, इनकी प्लाज्मा में भी एंटीबॉडी है, कौन सी एंटीबॉडी है, बी, ठीक है। तो बी एंटीबॉडी है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ए आइडेंटिटी वाला कार्ड लेके आएगा, कोई ब्लड ऐसा लेके आएगा, तो ये उसके खिलाफ तो यूज नहीं होगी, लेकिन अगर कोई बी आइडेंटिटी वाला अगर आइडेंटिटी कार्ड लेके आया ब्लड ग्रुप, तो ये उसके अगेंस्ट यूज हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, तभी तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और ब्लड में क्या हो जाएगा, उसका कोगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, चूंकि उसके पास तो दोनों आइडेंटिटी कार्ड है, यानी दोनों ही उसके फ्रेंडली नेचर के हो गए, खुद की जैसी आइडेंटिटी वाले हैं, तो वो कोई भी तरह का एंटीबॉडी नहीं रखेगी, उसको तो क्या लगेगा, सभी क्या है मेरे फ्रेंड्स ही हैं, तो उनको मारने के लिए वो अपने डिफेंस के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं रखेगा, तो हमने लिखा नील, इसके पास में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। जबकि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है, क्योंकि उसका खुद का तो कोई आइडेंटिटी कार्ड है नहीं है, है ना, तो उसको पता भी नहीं है कि कौन मेरा फ्रेंडली है, कौन है कौन नहीं है, तो वो क्या करती है, वो सबके लिए एंटीबॉडी रख लेती है, उसको लगता है कि सभी मुझे नुकसान पहुंचाने आएंगे, तो वो सबके लिए एंटीबॉडी रख लेगी, यानी ए भी एंटीबॉडी होगी उसमें और बी एंटीबॉडी भी उसके अंदर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन हुई। अब आप देखिए, अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए है, क्या उसको बी ब्लड ग्रुप दिया जाएगा, नहीं, क्योंकि उसके पास में बी एंटीबॉडी है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, तो उसको नहीं दिया जा सकता, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप, क्या ये ब्लड ग्रुप्स को दे दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि इसके पास में एंटीबॉडी बी है, तो इसके पास में बी वाला आइडेंटिटी कार्ड है, तो वो उसके साथ में क्या करेगा, झगड़ा कर लेगा, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई तो ब्लड का कोगुलेशन होगा, तो ए बी ब्लड ग्रुप भी हम एंटी ए ब्लड ग्रुप वाले को नहीं दे सकते। ओ ब्लड ग्रुप, क्या ये दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास में कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी, तो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो दिया जा सकता है। इसीलिए ए ब्लड ग्रुप वाले को कौन कौन से ब्लड दिए जाते हैं, ए एंड ओ, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप के अंदर भी सेम कंडीशन है, उसको भी बी एंड ओ इसीलिए दिया जाता है, ए बी को सब दिए जा सकते हैं, रीजन क्योंकि उसके पास में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो सबका ब्लड ग्रुप ब्लड दिया जा सकता है, ए बी देंगे, बी बी देंगे, ओ भी दे सकते हैं, है ना, क्योंकि उसके पास में कोई हथियार ही नहीं है, वो किसको मारेगा, नहीं मार सकता, तो सब तरह के दे देंगे हम, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप जो है, क्योंकि इसके पास में तो इसने तो सबको मारने के लिए हथियार रख रखे हैं, तो इसको तो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप यानी अपने आपका ही क्या है ब्लड दिया जा सकता है, बाकी किसी का भी ब्लड इसको नहीं दिया जा सकता। नाउ द क्वेश्चन, कौन है यूनिवर्सल डोनर और कौन होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो देखिए, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ ब्लड ग्रुप, सबको दिया जा सकता है, ठीक है, तो ये हुआ यूनिवर्सल डोनर। ए बी ब्लड ग्रुप, उसको सारे तरह के ब्लड जो ग्रुप है ना वो दिए जा सकते हैं, खुद का भी दिया जा सकता है, ए एंड बी एंड ओ भी दिया जा सकता है, यानी ये क्या हो गया, यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया, क्लियर हुआ ये बात। लेकिन एक और चीज आती है, वो आती है आरएच एंटीजन, यानी कि आरएच एंटीजन जिसके पास में होगा वो क्या कहलाएंगे, आरएच पॉजिटिव। जिसके पास में आरएच एंटीजन नहीं है वो क्या कहलाएंगे, आरएच नेगेटिव कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, दो तरह के एंटीजन हो सकते हैं किसी भी एक ब्लड ग्रुप में, जैसे कि जिसका ए ब्लड ग्रुप है उसके पास में क्या है,
ए एंटीजन तो है, लेकिन अगर वो ए पॉजिटिव है तो उसके पास में एक आर एच एंटीजन और है, यानी एक और सेकेंडरी दूसरा आइडेंटिटी कार्ड भी है, जैसे कि आपका खुद का बाहर बोलने जाने वाला नाम और घर के अंदर बोलने जाने वाला निक नेम है ना, तो वो दो आपके क्या हुए आइडेंटिटी कार्ड हो गए, दोनों ही नाम से आप पहचाने जा सकते हो। तो वैसे ही हर ब्लड ग्रुप के साथ में कंडीशन है, यानी ए पॉजिटिव हो सकता है, ए नेगेटिव होगा, जिसके पास में नहीं है तो उसको हम ए नेगेटिव बोल देंगे, इसी तरह से बी पॉजिटिव जिसके पास में खुद का भी है और बी एंटीजन है, बी एंटीजन के साथ साथ में उसके पास में आर एच एंटीजन भी है, इसी तरीके से ओ पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव, ये चार ब्लड ग्रुप और हो सकते हैं। वैसे ही जिनके पास में नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव, इस तरीके से नेगेटिव जो है ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तो टोटल ब्लड ग्रुप अब कितने हो गए, 8 तरह के हो गए, ठीक है। अब अगर इस कंडीशन में आप देखिए, अगर ए पॉजिटिव है क्या उसको ए नेगेटिव का ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, इसके पास में कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये एंटीजन जब इसके पास इसमें जाएगा ब्लड ग्रुप तो ये अपना कोई भी हथियार इसके लिए यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसको पहचान ही नहीं पा रहा है, यानी कि ए नेगेटिव जो है वो ए पॉजिटिव को दिया जा सकता है, बट ए पॉजिटिव का ब्लड ए नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता, क्यों, क्योंकि इसके पास में एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी कार्ड है, तो वो उसको क्या लगता है कि भैया ये कौन आ गया, ऐसी कंडीशन में ये क्या करता है, ये इसके खिलाफ फिर कार्यवाही करता है, यानी ए पॉजिटिव जो है उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता, ठीक है, ये ध्यान रखिए। यानी आर एच पॉजिटिव जो है उसको आर एच नेगेटिव वाले का ब्लड दिया जा सकता है, बट आर एच पॉजिटिव का ब्लड जो है वो आर एच नेगेटिव वाले को नहीं दिया जा सकता, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। अब देखिए, अब अगर इस कंडीशन में मैं पूछूं कौन यूनिवर्सल डोनर है और कौन यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, तो पहले तो चेक करते हैं डोनर में, यानी ये है ओ पॉजिटिव और ये है ओ नेगेटिव। अब देखो, ओ पॉजिटिव का ब्लड ओ नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता, बट ओ नेगेटिव का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव को दिया जा सकता है, यानी ओ नेगेटिव तो सबको दिया जा सकता है, आर एच जितने भी पॉजिटिव वाले हैं उनको भी दिया जा सकता है और इनको भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसके पास में कोई एक्स्ट्रा एंटीजन है ही नहीं, तो उसके लिए कोई क्या डिफेंस के लिए मैकेनिज्म करेगा, बाकी इसका खुद का भी कोई आइडेंटिटी कार्ड यानी कि एंटीजन इसके पास में नहीं है तो वैसे भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी, यानी ओ नेगेटिव जो है उसका ब्लड सबको दिया जा सकता है। तो ये हुआ यूनिवर्सल हमारे पास में कौन, डोनर। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होगा, अभी यूनिवर्सल रिसिपिएंट हमारे पास में होगा ए बी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ए बी नेगेटिव को ए बी पॉजिटिव का ब्लड नहीं दिया जा सकता, राइट, तो पॉजिटिव के ब्लड तो नेगेटिव को कभी दिए ही नहीं जा सकते, बट पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव का ब्लड ले सकता है, तो ए बी पॉजिटिव, वैसे भी ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल क्या है, रिसिपिएंट है, बट उसमें भी पॉजिटिव जो है वो क्या होगा, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्यों, क्योंकि उसको ए बी नेगेटिव का ब्लड भी दिया जा सकता है, ठीक है, जबकि ए बी पॉजिटिव का ब्लड ए बी नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता, तो हमने बोला ये है हमारे पास में यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है, इस बात को क्लियर रखिए। फिर एक कंडीशन है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये क्या होता है, तो ये एक्चुअल में कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि अगर आर एच नेगेटिव मदर है उसकी शादी आर एच पॉजिटिव है ना मेल के साथ में अगर हो गई है, मतलब फादर आर एच पॉजिटिव है, तो जब इनका फर्स्ट बेबी होगा तो फर्स्ट बेबी में देयर इज अ चांस कि वो फर्स्ट बेबी जो है वो आर एच पॉजिटिव हो, अगर वो फर्स्ट बेबी आर एच पॉजिटिव होता है, चूंकि ये मदर एंड जो बेबी है उन दोनों का ब्लड जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड रहता है, तो ये आर एच एंटीजन जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो मदर के अंदर चला जाए, जब वो स्मॉल क्वांटिटी में जाएगा तो होगा क्या, उस एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज यानी आर एच के ये जो आपका एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है वो इसके अंदर फॉर्म हो जाएगी मदर में, ठीक है, तो फर्स्ट बेबी हुआ तो वो कंडीशन कुछ भी इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं है, फर्स्ट बेबी सर्वाइव करेगा, लेकिन जब सेकंड बेबी होगा, सेकंड बेबी जब होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए अब की बार क्या है, वो आर एच पॉजिटिव है यानी उसके पास में आर एच एंटीजन है, अब मदर से जो है वो ब्लड ट्रांसफर हुआ सेकंड बेबी को प्लेसेंटा के थ्रू, लेकिन अब की बार जो ब्लड आ रहा है बेबी को उसमें क्या है एंटीबॉडी भी आ रही है, यानी एंटीजन आर एच एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी फॉर्म हुई थी पहले वो एंटीबॉडीज भी क्या हो रही है इस ब्लड के थ्रू आ रही है सेकंड बेबी को, तो जैसे ही सेकंड बेबी को उसकी सप्लाई होगी ब्लड की तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा और जो आपका सेकंड बेबी है उसकी क्या हो जाती है, हमें बोलते हैं कि फिटल स्टेज में ही उसकी डेथ हो जाती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है, आजकल इसके लिए पहले से इंजेक्शन दे दिए जाते हैं तो बेबी
सर्वाइव भी कर जाते हैं, ठीक है। तो ये दैट इज अ कंडीशन। चलिए नाउ द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कभी कभी क्या होता है, कभी क्या, जब भी हमें इंजरी हो जाती है ऐसा होता है ना कि अगर ब्लड वहां पे उस इंजरी पार्ट से अगर ब्लड फ्लो करता रहेगा तो हमारी ब्लड का हमें लॉस होगा, तो उस ब्लड लॉस को रोकने के लिए क्या होता है, वहां पे क्या हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। अभी ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है, तो जो भी इंजर्ड एरिया है वहां पे टिश्यूज जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। टिश्यूज डैमेज का मतलब वो सेल्स जो है वो वहां की जो है वो डैमेज हो रही है, तो वहां की जो प्लेटलेट्स होती है वो प्लेटलेट्स भी क्या हो जाती है, डैमेज होती है। तो वो प्लेटलेट्स जो है वो रिलीज करती है, हम ये बोल सकते हैं कि वो क्या क्या रिलीज करती है, वो प्लेटलेट फैक्टर नंबर 3 जो कि क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसको वो रिलीज करती है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम जो आयंस है इनके साथ मिलकर ये किसको एक्टिवेट कर रहे हैं, थ्रोम्बो ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम होता है उस प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को वो एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, जो ब्लड के अंदर हिपेरिन होता है जो ब्लड का कोगुलेशन नहीं होने देता उसको इनएक्टिव करता है ताकि ब्लड का कोगुलेशन हो सके। एंड द सेकेंड, ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर ये जो थ्रोम्बिन है ये जो है ये कैटलेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ये क्या करते हैं, फाइब्रिनोजन को जो प्रोटीन प्रेजेंट है ब्लड के अंदर उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करती है। और फाइब्रिन क्या है, इस तरीके से थ्रेड्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं जिनका एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है और जिनमें डेड सेल्स जब इकट्ठी हो जाती है तो क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। तो आप देखिए ब्लड की क्लॉटिंग जो है वो कई स्टेप्स के अंदर हो रही है ना, कई तरह की चीजें हैं कि वो रिलीज होगा, देन वो किसी और को एक्टिवेट करेगा, जो एक्टिवेट हुआ वो किसी और को जाके एक्टिवेट करेगा, इस तरह से कई फैक्टर यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए लास्ट में फाइब्रिनोजन को ही फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं एंड देन क्या होती है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे फैक्टर है जो काम करते हैं, लेकिन चूंकि आपकी एनसीईआरटी ने यही फैक्टर्स को मेंशन किया है तो आपको सिर्फ इतना ही क्लॉटिंग का याद करना है। सबसे पहले फैक्टर नंबर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि प्लेटलेट से रिलीज हो रहा है, जो डैमेज टिश्यू है वहां से रिलीज हो रहा है। देन वो कैल्शियम आयन, कौन से आयन्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस के अंदर वो क्या हो रहा है, आपके प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट कर रहा है और वो एक्टिवेट होकर हिपेरिन को क्या कर रहा है, इनएक्टिव कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम थ्रोम्बो जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है उस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करवा रहा है। यही थ्रोम्बिन क्या करवाएगा, आपके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, ये स्टेप्स आपको सिर्फ इतने ही याद रख रहे हैं और इतने ही फैक्टर को आपको याद रखना है। कैल्शियम खुद भी क्या है, एक हम ये बोल रहे हैं क्लॉटिंग फैक्टर ही है, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे फैक्टर्स भी याद रखने हैं और ये स्टेप्स भी याद रखने हैं, इतना याद रख लेंगे इस स्टेज के लिए बहुत है आपके लिए। चलिए नाउ नेक्स्ट, फिर देखिए लिम्फ क्या होता है। लिम्फ एक्चुअल में ये जो ब्लड वेसल्स होती है, ये मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, ठीक है, मैं ब्लड वेसल्स है, यहीं पे क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। मैं टिश्यूज बना देती हूँ, ये टिश्यूज है। तो जो आपके ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज है इनके बीच में यहाँ पे इसको इंटरस्टिशियल जो ये हम बोल रहे हैं ये जो स्पेस है ये है ना, ये बीच में ये वाला, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके टिश्यूज होते हैं इनके बीच में जो ब्लड वेसल्स है यहाँ से फ्लूड जो है वो क्या हो जाता है, फिल्टर होता है। यहीं से फाइन जो है हम ये बोलते हैं छोटी छोटी हम वेसल्स जो है निकलती है, लिम्फेटिक वेसल्स, जिनके अंदर यही टिश्यू फ्लूड जो होता है वो क्या होता है, मूव करता है। देन ये आगे जाके लिम्फ नोड एंड वापस से जो हमारी मेन स्ट्रीम है ब्लड उसके अंदर जाके इस लिम्फ को रिलीज कर देती है, ठीक है। तो एक्चुअल में लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है पैरेलली हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ में एक और सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसमें एक्चुअल में होता क्या है, लिम्फोसाइट सेल्स होती है। ये लिम्फोसाइट सेल्स इम्यून जो सिस्टम होता है हमारी बॉडी का वो डेवलप करती है। इस लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट जो है वो लिम्फेटिक नोड्स भी होते हैं, तो जहां जहां पे भी लिम्फेटिक नोड्स प्रेजेंट है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ में एक्चुअल में होता है क्या, तो लिम्फ क्या होता है, ये कलरलेस टिश्यू फ्लूड होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर होता क्या है, ये एब्जॉर्प्शन भी करता है। कहां पे, जब हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा था आपको पता है ना, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाइज होती है, जहां पर क्या होती है, लैक्टियल होती है। लैक्टियल जो क्या करती है, इन हम ये बोल रहे हैं कि जो आपकी लैक्टियल होती है जो क्या करती है, सॉरी मैंने डायग्राम गलत बनाया, ये लैक्टियल इस तरह से, ठीक है, ये आपके माइक्रोविलाई है, ठीक है। तो यहां पे हम ये बोल रहे हैं कि इन माइक्रोविलाई के अंदर क्या होती है, लैक्टियल होती है। मैं लैक्टियल को बनाती हूँ, ये आपकी माइक्रोविलाई है, इसके अंदर मैंने इस तरह से लैक्टियल बनाई, ठीक है ना। तो ये लैक्टियल है, तो लैक्टियल जो होती है वो क्या करती है, फैट जो होता है उसको एब्जॉर्ब करती है, और फैट के साथ साथ में हम ये बोल रहे हैं कि जो भी फैट सोल्यूबल विटामिन है उनको भी एब्जॉर्ब करती है। तो ये जो
फैट है या फिर ये जो विटामिन है, इन सबको वापस से ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होते हुए वापस ब्लड के, हम ये बोल देते हैं कि जो ब्लड होता है मेन स्ट्रीम होता है उसके अंदर उसको रिलीज कर देती है, बट फैट हमेशा एब्जॉर्ब लैक्टियल में ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो लिम्फ के बारे में पूछ लेते हैं। नॉर्मली जो पूछा जाता है वो ये पूछते हैं लिम्फ है क्या, तो कलरलेस टिश्यू फ्लूड होता है। चलिए, सर्कुलेटरी पाथवे, दो तरह के पाथवे हो सकते हैं सारे एनिमल किंगडम के अंदर, एक क्या हो सकता है क्लोज और दूसरा हो सकता है ओपन। ओपन किसको बोलते हैं, ओपन के अंदर हम ये बोल रहे हैं किसी भी तरह की आर्टरीज या वेन्स प्रेजेंट नहीं होती, वहां पे हम बोल देते हैं कि छोटे छोटे सिनस होते हैं जिनके अंदर टिश्यूज डायरेक्टली क्या होते हैं कॉन्टेक्ट में रहते हैं ब्लड के। तो आप जैसे इमेजिन कर सकते हो कि आपने एक कटोरी ली और कटोरी के अंदर आपने खूब सारी पानी डाला और पानी के अंदर आपने थर्माकोल की गोलियां डाल दी, तो वो थर्माकोल की गोलियां तो क्या है, इमेजिन करिए टिश्यूज है एंड देन वो पानी क्या है आपका ब्लड है, तो टिश्यूज डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में ही रहते हैं, उसी के अंदर तैरते रहते हैं, तो उसमें कोई हम ये बोलते हैं ब्लड को पहुंचाने के लिए टिश्यूज को कोई भी किसी भी तरह की आर्टरीज या वेन्स यानी कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं होती। बट एट द सेम टाइम क्लोज सिस्टम को हम किसको बोल रहे हैं, क्लोज सिस्टम हम उसको बोल रहे हैं जिसके अंदर ब्लड की सप्लाई के लिए आर्टरीज एंड वेन्स प्रेजेंट होती है, जिसमें टिश्यू डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं। तो छोटी सी चीजें ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं ओपन सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है, देन ऑर्थोपोड्स के अंदर मोलस्कंस के अंदर क्या होता है आपका, हम ये बोल रहे हैं ओपन सिस्टम प्रेजेंट है, जबकि क्लोज किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एनेलिडा के अंदर प्रेजेंट है, कॉर्डेट्स के अंदर जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एनिमल किंगडम पढ़ते टाइम भी मैंने आपको बताया था कि पहले एनेलिडा से ऑर्थोपोड एंड मोलस्कंस बने, लेकिन फिर भी याद रखना है आपको क्या, क्योंकि आपके जो एनिलिडा है उसमें क्लोज है एंड देन बाद में वापस से क्या हो जाता है कॉर्डेट्स में क्लोज आ जाता है, बट ऑर्थोपोड एंड मोलस्का इन दोनों में क्या होता है ओपन टाइप का सिस्टम होता है। ठीक है ना, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये मैंने एनिमल किंगडम में भी डिस्कस किया था। नाउ क्योंकि अगर हम बात करते हैं कॉर्डेट्स की, तो कॉर्डेट्स के अंदर क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनमें ब्लड को आर्टरीज एंड वेन्स में पंप करने के लिए हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये हार्ट जो होता है वो 2 chambered, 3 chambered and 4 chambered हो सकता है। ये चैम्बर क्या है, तो मैं एक हार्ट बना देती हूँ और मैं बोलती हूँ कि इसके मैंने दो चैम्बर बनाए, एक ऊपर वाला जिसको मैं बना रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ये है एट्रियम, ठीक है, और ये है वेंट्रिकल, तो यहाँ पे दो चैम्बर बने तो इनको हम बोल रहे हैं 2 chambered heart। अगर मैं ये बोलती हूँ कि यहाँ पे 3 chambered heart है, तो मैंने इसको क्या किया, 2 atrium और 1 ventricle बनाया, तो उसको मैंने बोला 3 chambered heart। और अगर मैंने बोला कि 2 atrium and 2 ventricle है, तो चैम्बर कितना चैम्बर्ड हार्ट हुआ, 4 chambered heart होता है। तो इस तरीके से कई तरह के हार्ट जो है प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर। तो अभी देखिए एग्जांपल याद रखना, 2 chambered heart किसमें होता है, फिशेस के अंदर, यानी कि ऑस्टिक्थीस कॉन्ड्रिक्थीस उसके साथ में साइक्लोस्ट्रोम्स उनमें भी। ठीक है, 3 chambered heart किसके अंदर होता है, एम्फीबियंस के अंदर 3 chambered heart होता है। अभी देखो यहां पे ध्यान रखना, जो क्रोकोडाइल होता है दैट इज एक्सेप्शन, क्योंकि उसमें 4 chambered heart होता है, एंड 4 chambered heart किसमें देखने को मिल रहा है हमें, बर्ड्स के अंदर, मैमल्स में, और जो हमारा एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, ठीक है, एलिगेटर वगैरह उन सब के अंदर भी 4 chambered heart होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हार्ट जो है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो ब्लड को पंप करती है आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर, ताकि वो फ्लो हो सके और टिश्यूज तक पहुंच सके। क्योंकि कोई भी चीज है ना, पानी है अगर, या फिर आप कोई भी अगर आप उसको प्रेशर लगाते हैं एक जगह से, तो वो ज्यादा तेजी से आगे मूव करता है, ठीक है, ताकि वो हर जगह फैल सके। तो वो प्रेशर लगाने के लिए क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट रहता है, मस्कुलर हार्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए, नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकते हैं सिंगल सर्कुलेटरी, डबल सर्कुलेटरी या फिर इनकम्प्लीट। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए जो फिशेस होती है उनमें चूंकि क्या है आपके 2 chambered है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, तो यहां पे क्या होगा, जो हम बोलते हैं वेन्स, यहां पे मान लीजिए वेन्स आ रही है और यहां से आर्टरीज निकल रही है, ठीक है, तो जो आप बोलते हैं यहाँ पे आएंगी वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगे, तो वो मिक्स हो जाएगा एंड देन वो वहीं से क्या हो जाएगा, पंप हो जाएगा। समझने के लिए बनाया है ये चीज, ठीक है, तो मैं इसको और समझाने के लिए थोड़ा और क्लियर बना देती हूँ कि मैंने ये बोला कि ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स ही आ रहा है, ठीक है, और यहीं से क्या हो रहा है, फिर वो सप्लाई हो जा रही है उसकी, यानी कि यहां पर दोनों एक दूसरे से सेपरेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई तो अलग अलग जगह से हो रही है हार्ट को, लेकिन फिर आगे जाने के बाद वेंट्रिकल में वो मिक्स हो जाता है एंड देन वो क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड ही आगे टिश्यूज को पंप होता है। डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, डबल सर्कुलेशन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड अलग जगह से आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड अलग वेन से आ रहा है, फिर ये क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड जो है वो अपना
अपने साइड के वेंट्रिकल में मूव करेगा इस तरीके से, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपने साइड के वेंट्रिकल से मूव करेगा और उसी एरोटा से बाहर निकल जाएगा। तो आप देखोगे क्या, ऑक्सीजनेटेड जो है वो ब्लड अलग से फ्लो हो रहा है जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग फ्लो हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, जो कि इसमें मिलता है बर्ड्स में और मैमल्स के अंदर। क्लियर? तो डबल सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, बट उससे पहले डबल सर्कुलेशन को समझ लेते हैं कि डबल सर्कुलेशन है क्या। देखिए हम लोगों ने कल रेस्पिरेशन पढ़ा था, रेस्पिरेशन में आपको मालूम है कि लंग्स जो होते हैं, यहाँ लंग्स के अंदर ये हम ये बोल रहे हैं कि ब्लड वेसल्स की सप्लाई रहती है, किसको, एल्वियोली को, जहां से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज होता है। देन जो अब ब्लड जो निकल रहा है कहां से, आपके लंग से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको, उस ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि अब उसके अंदर ऑक्सीजन है। नाउ वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिन ब्लड वेसल्स में वो कैरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी वर्ड आए तो समझ जाइए दैट इज रिलेटेड विद द लंग्स। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन जो है वो क्या करती है, ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, और वो ब्लड को लाकर किस में ओपन करती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर उसको, उसको क्या करती है, उसमें खाली कर देती है, या हम ये बोलते सॉरी खाली नहीं कर देती, सप्लाई करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, अभी ये चीज ध्यान रखना कि हार्ट को जो सप्लाई होगी वो हमेशा किसके थ्रू होती है, वेन्स के थ्रू, जबकि हार्ट से जो भी ब्लड पंप होके निकलेगा वो किसके थ्रू होगा, आर्टरीज के थ्रू बाहर निकलेगा। ठीक है, तो पल्मोनरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आई, किसको दिया, लेफ्ट एट्रियम को उसने दिया। जब वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है एंड देन वहां से सप्लाई होगी उस ब्लड की, कहा किसको, लेफ्ट वेंट्रिकल को, जिसके थ्रू वो, क्योंकि प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है, जिस प्रेशर की वजह से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसके थ्रू, आपकी एरोटा के थ्रू जो है टिश्यूज को उसकी सप्लाई होती है। ठीक है, तो आर्टरीज क्या करती है, उस ब्लड को सप्लाई करती है टिश्यूज को, टिश्यूज में जाने के बाद में यही आर्टरीज और फाइन ब्रांचिंग में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो तीन शब्द आते हैं, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। तो ये आर्टरीज जो होती है, अगर उसकी ल्यूमेन आप देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, छोटी होती है, नैरो होती है। अगर वेन्स की देखोगे तो बहुत ही बड़ी होती है, क्योंकि ये प्रेशर के साथ में इनको क्या करना होता है, अभी सप्लाई करती है किसको, टिश्यूज को, ब्लड को। ठीक है, तो ये यहां से जब आएगी टिश्यूज को, तो टिश्यूज में क्या होगा, देन ऑक्सीजन जो है अब वो वहां पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, टिश्यूज में डिफ्यूज हो जाएगा, एंड वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम वहां से रिलीज हो रही है, जो ग्लूकोज का कैटाबोलिज्म हुआ उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, वो कार्बन डाइऑक्साइड अभी किसमें आ जाएगी, ब्लड में, जिसकी वजह से ब्लड अब क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई जो है वो अगेन किसके थ्रू होगी, वेन के थ्रू, बट इस वेन को हम क्या बोलते हैं, वेना कावा। ठीक है, वेना कावा जो है वो राइट एट्रियम में ओपन होती है, जहां से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट, हम बोल रहे हैं वेंट्रिकल के थ्रू जो है निकलता है, किससे, आर्टरीज पर, कौन सी आर्टरीज होगी, ये पल्मोनरी आर्टरीज होगी, जिसके थ्रू इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई वापस कहाँ हो जाती है, आपके लंग्स जो है वहां पर उनकी सप्लाई हो जाती है। तो अगर आप कंडीशन देखोगे तो एक बार सेम टाइम में, पर ये याद रखिए एट्रियम एक साथ ही भरते हैं और वेंट्रिकल भी एक साथ ही भरते हैं, वो एक साथ ही क्या करेंगे, ब्लड की सप्लाई करेंगे, चाहे वो ब्लड की सप्लाई उनको टिश्यूज को करनी हो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, या फिर उनको राइट वेंट्रिकल के थ्रू उस ब्लड की सप्लाई किसको करनी हो, पल्मोनरी सॉरी आपके जो लंग्स होते हैं लंग्स को करनी हो। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप देखोगे तो हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, एक साथ है ना, अलग अलग ही क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स जो है इनके अंदर अगर आप इसका सेक्शन कट करके देखोगे तो आपको यहां पे नजर आएगी कि यहां पे तीन लेयर होती है। सबसे पहले तो क्या होती है, ट्यूनिका इंटीमा, सबसे अंदर वाली, जिस जो क्या होती है एंडोथीलियम, जिसको हम बोलते हैं जो सिंपल स्क्वैमस की बनी होती है। उसके बाद में एक मस्कुलर लेयर होती है, जो ये स्मूथ मसल्स होती हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका मीडिया। और उसके बाद में आउटर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। अब आप देखोगे अगर तो ट्यूनिका, अगर इसकी मीडिया की बात करोगे तो आप देखो आर्टरीज के अंदर ये मसल्स वाली जो पोर्शन है ये जो है वो क्या है, ज्यादा बड़ा है, जबकि अगर ल्यूमन देखो इसका मसल्स देखोगे अगर वेन्स की तो वो देखोगे तो थोड़ी नैरो होती है वो लेयर। ठीक है, ल्यूमन जो है वो ज्यादा बड़ी होती है, तो ये कंपैरिजन में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट बन जाते हैं इनके ऊपर। तो आपको एनसीईआरटी के अंदर इतना दिया है तो आपको यही याद रखना है। चलिए नाउ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बड़ा ही कंफ्यूज करता है। नॉर्मली हम समझने के लिए तो क्या करते हैं, इस तरीके से डायग्राम को बना देते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर क्या है, फोर चैम्बर है, लेफ्ट साइड वाले को हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम,
राइट साइड के बोलेंगे राइट एट्रियम, ठीक है, हमने बोला ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। इस डायग्राम से हम सिर्फ डायग्राम को याद कर सकते हैं, डायग्राम मतलब डायग्राम के अंदर क्या क्या पोर्शन है, कौन सी वेन या कौन सी आर्टरीज कहां से निकल रही है, कौन सी आ रही है, कौन सी जा रही है, ये सब चीजें समझ सकते हैं नॉर्मल हमारे इस डायग्राम से। बट हमें किस तरीके से हम ये बोले इसमें इंपल्स जनरेट होती है और किस तरीके से हम ये बोलते हैं ब्लड का फ्लो होता है, किस तरह से ब्लड पंप होता है, तो वो अगर कार्डियक साइकिल को हमें समझना है तो हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को समझे उससे पहले हम नॉर्मली हर चीज को समझ लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो देखिए चार चैम्बर्ड है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमन का, यहां पर लेफ्ट एट्रियम में जो ओपन होती है वो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये है पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। इसके बाद में लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है, लेकिन यहां पर हम ये बोलते हैं बाइकॉस्पिड वॉल जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ये बाइकॉस्पिड वॉल जो होते हैं इनको मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, और एक्चुअल में ये क्या करता है, बैक फ्लो, वापस से ब्लड जो है वो एट्रियम में ना चला जाए इसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि यहां पे वॉल प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो राइट एट्रियम जो होता है यहां पर वेना कावा ओपन होती है, एंड राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में जहां ओपन होता है तो यहां पर क्या है, ट्राई कॉस्पिड वॉल प्रेजेंट होते हैं, अगेन सेम चीज, ये इसको बैक फ्लो को रोकती है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एरोटा, और राइट वेंट्रिकल जो होता है इससे हमें जो निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, और ये है एरोटा। तो ये है एरोटा, चलिए आप ये बना देते हैं कि ये तो आ गई आपकी एरोटा और ये आपकी आ गई पल्मोनरी आर्टरी, शॉर्ट में लिख लेते हैं ताकि टाइमिंग जो है वो भी हमारी साथ साथ में सही चलती रहे, क्योंकि हमें लिमिटेड टाइम के अंदर सब एक्सप्लेन करना है। चलिए तो हम ये बोल रहे हैं कि ये तो वेन्स है एंड ये आर्टरीज है जो निकलती है, और यहाँ पे जो हम ये बोल रहे हैं कि बाइकॉस्पिड एंड ट्राइकॉस्पिड वॉल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे भी समझ में आ रही होगी, ये है आपका राइट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम, और ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे वेना कावा ओपन हो रही है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो है पल्मोनरी वेन्स जो है वो इसके अंदर क्या होती है, ओपन होती है। बट ध्यान रखो जो वेंट्रिकल और ये जो ओपनिंग मैंने नीचे बनाई है, ये ओपनिंग नीचे नहीं होकर ये ओपनिंग भी सेम ही डायरेक्शन के अंदर है, देखिए सेम ऊपर की डायरेक्शन के अंदर ही होती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो वॉल प्रेजेंट होते हैं जो कि मतलब कि वेंट्रिकल का फ्लो जो है, फ्लो जब होता है आर्टरीज में और वेन्स में, तो इनके बीच में भी क्या होते हैं, वॉल प्रेजेंट होते हैं जिनको सेमी ल्यूनर वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो वापस से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में ना जाए आर्टरीज के थ्रू, तो उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनके बीच में कुछ सेप्टा प्रेजेंट है, जैसे कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो होता है इसके बीच के अंदर क्या होता है, एक सेप्टा प्रेजेंट है। अब ये देखो ये जो है आप यहां पे भी देख सकते हो कि ये है आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, ये है इंटरवेंट्रिकुलर, मैं कलर डायग्राम दूसरा यूज कर लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, दो वेंट्रिकल्स के बीच में है, ठीक है। इसके अलावा दो एट्रियम जो होते हैं इनके बीच में भी क्या होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट रहते हैं, और एट्रियम और वेंट्रिकल इनके बीच में भी क्या है, सेप्टा प्रेजेंट है। तो देखिए ये वो सेप्टा है, ये देखिए सेप्टा नजर आ रहा है आपको। तो देखिए अगर आप देखोगे तो दोनों एट्रियम और अगर कंपेयर करोगे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच के सेप्टा को, तो आप सबसे ज्यादा अगर आप थिकनेस देखोगे किसके अंदर, ये फाइब्रस थिकनिंग जो देखने को मिलती है वो होती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा में। अगर इंटर एट्रियम सेप्टा के अंदर देखोगे तो ये हम ये बोलते हैं कि ये थिन वॉल होती है, जबकि अगर इंटर एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा देखोगे तो वो उसके कंपेरेटिवली क्या होती है, थिक होती है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा हार्ट जो है वो क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, हम ये बोलते हैं हार्ट मेसोडर्मली ओरिजिनेट होता है। हार्ट जो होता है लंग, अगर हम लोग ये बनाते हैं हमारे लंग्स, तो यहाँ पे क्या है, कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है जहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हार्ट जो है एकदम मिडल में, ठीक है, और हम ये बोल रहे हैं कि हार्ट जो होता है मस्कुलर होता है, मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड होता है। हार्ट जो होता है वो बाहर से हम ये बोलते हैं कि लेयर्स के थ्रू कवर्ड रहता है, वो दो लेयर होती है, पेरिकार्डियम हम उसको बोलते हैं, और उनके बीच में जो है हम ये बोलते हैं कि पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो भरा रहता है, वो अगेन वही सेम चीज़ है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कर रही है, तो फ्रिक्शन से किसी भी चीज़ का नुकसान ना हो तो उसको शॉक को लेने के लिए उसमें क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है भरा रहता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा हार्ट जो है पेरिकार्डियम हम ये बोलते हैं कि लेयर जो होती है उसे कवर्ड रहता है, क्लियर।
तो ये हो गया आपके हार्ट का डायग्राम। तो ये इसको समझने की बजाय अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां पर क्या है, कुछ नोडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये नोडल टिश्यूज एक्चुअल में हम ये बोलते हैं कि ऑटो ही खुद ही स्टिमुलेट होते रहते हैं, और ये हम ये बोलते हैं कि अपने आप को खुद ही ये इंपल्स जनरेट करने के लिए अपने आप को एक्साइटेड कर लेते हैं। तो ऑटो एक्साइटेबल जो नोडल टिश्यूज होते हैं वो यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, अगर राइट एट्रियम के अंदर देखोगे और अपर राइट साइड के अंदर देखोगे, अपर राइट साइड में बोल रही हूं, तो ये है अपर राइट साइड। तो यहां पर जो नोड प्रेजेंट है, ये नोडल टिश्यूज जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं सिनो एट्रियल नोड, यानी ऐसे नोड हम इनको बोलते हैं, ऐसे नोड। अब यहीं से ये एक्सपेंड होके कनेक्ट रहते हैं कहां पे, अपने देखिए एट्रियम के अंदर ही आप देखोगे, लोअर साइड के अंदर, ठीक है, लोअर लेफ्ट साइड के अंदर। तो यहां पर भी क्या है, कुछ नोडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। अब ये आपस में कनेक्टेड है। अब यहीं से ये आगे फाइन ब्रांचिंग जो होती है ना इनकी नोडल टिश्यूज की, आगे जाती है कहां पे, आपके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के अंदर। देन जब वो नीचे वेंट्रिकल के एंड में जाते हैं अपेक्स पोर्शन के अंदर, तो आप देखोगे वहां जाकर वो क्या हो रहा है, बट जा रहा है, बाइफर्केट हो रहा है, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट दो पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, वो बट जाते हैं। अब ये जो राइट एंड लेफ्ट पार्ट में बटा है, ये फिर आगे क्या करते हैं, पूरे के पूरे वेंट्रिकल जो होता है उसको कवर कर लेते हैं ये टिश्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से इन सबको हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं हम इनको, बोलते हैं ये जो यहां से जब ये बाइफर्केट हुआ तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। तो ये पूरे के पूरा जो वेंट्रिकल होता है उसको कवर कर लेते हैं। तो ये जो नोडल टिश्यू है ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, ये अपने आप से क्या करते हैं, मसल्स को एक्साइटेड करके उनमें कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स जो होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करता है, और जो ब्लड होता है वो क्या होता है, आगे फ्लो होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, और उसके साथ में अगर हम बात करेंगे आगे ट्रांसमिशन ऑफ हार्ट इंपल्स वो कैसे होती है, तो देखिए ये जनरेट करने का काम जो है वो सिनोएट्रियल नोड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं, क्योंकि ये 70-75 पर मिनट के अंदर इतने स्ट्रोक जो होता है वो हम ये कहते हैं कि इतने इंपल्स जो होता है उनको जनरेट करता है, नॉट स्ट्रोक, इतने इंपल्स को जनरेट करने का काम करता है। देन ये सिनोएट्रियल नोड जब एक्साइटेड हो जाता है तो ये उसी इंपल्स को आगे कैरी कर, आगे फॉरवर्ड करता है, किसको, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड फिर क्या करता है, पूरे के पूरे वेंट्रिकल में फैले हुए जो बंडल ऑफ हिस है, यानी जो जितने भी ये टिश्यूज फैले हैं उन सबको उस इंपल्स को आगे भेजते हैं, जिसकी वजह से हार्ट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इंपल्स जनरेट होने की वजह से पूरा का पूरा मस्कुलर ही तो है, और ये जितने भी नर्व, ये क्या है, नर्व्स ही तो होती है जो क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है मसल्स के थ्रू, मसल्स के से, और जिसकी वजह से मसल्स के अंदर ये कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाती है, ठीक है। तो इंपल्स क्रिएट किसके थ्रू हो रही है, ऐसे नोड के थ्रू, जो आगे ट्रांसपोर्ट और हम ये बोलते हैं ट्रांसमिट हो रही है, किसको, एट्रियोवेंट्रिकल नोड को। एंड एट्रियोवेंट्रिकल नोड इसको पूरा का पूरा वेंट्रिकल पोर्शन को जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है, आगे की तरफ भेजने का काम कर रहा है। तो ये आगे की तरफ उसको भेज देती है। अभी देखिए कॉर्डी टिंडनी भी, ये एक्चुअल में मसल्स हैं जो कि जो आपके बाइकोस्पिड एंड ट्राइकोस्पिड वॉल होते हैं इनसे कनेक्टेड रहती है, ये उसके हम बोलते हैं खोलने और बंद होने को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में ऐसे नोड जो है जिनकी, इसको पेसमेकर बोलते हैं, ये पर मिनट के अंदर कितनी इंपल्स क्रिएट करवा सकता है, इनिशिएट करवा देता है, तो वो होती है 70-75। नॉर्मली हमारी अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है पर मिनट, तो अप्रोक्स 72 हम बोलते हैं कि वो बीट करता है, ठीक है। ये हमने कैलकुलेशन करके निकाला है, क्योंकि कितना एक पूरा का पूरा साइकिल में, कार्डियक साइकिल के अंदर, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें कितना टाइम लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला है ये, तो निकल के आया कि 72 बीट्स जो होती है पर मिनट आती है। कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो एक्सिलरेट करते हैं हार्ट रेट को, जबकि सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं वो उसको क्या करते हैं, कम करने का काम करते हैं। ऐसे नोड जो है ये डिफेक्टिव एंड डैमेज हो सकती है, और आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है वो हम किसी भी मतलब कि अब क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट किसी भी अगर कोई भी जरूरतमंद है पेशेंट तो उसको हम आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है वो अब हम यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ग्राफ्टेड जो है किया जा सकता है, किसको, आर्टिफिशियल पेसमेकर को, क्लियर। तो ये हुई कुछ चीजें हार्ट के बारे में, और किस तरह से हार्ट जो हार्ट में इंपल्स जो है वो क्रिएट होती है, तो ऐसे नोड जो होता है वो इंपल्स को क्रिएट करवाता है, उसको जनरेट करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट,
पल्मोनरी आर्टरीज क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है, ये आर्टरीज हैं जिनके अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है, और पल्मोनरी वेन्स जो होती है उनके अंदर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो होता है। आर्टरीज हमेशा ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से दूर, जबकि वेन्स जो होती है ब्लड को लेके आती है वेन के पास में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समटाइम पूछ लेते हैं, तो इन क्वेश्चन के लिए ये आपको बता दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कार्डियक साइकिल, अब इसको डिस्कस करते हैं। कार्डियक साइकिल क्या होता है भाई? कार्डियक साइकिल का मतलब ये हुआ कि ब्लड जो है वो आपके हार्ट में आएगा, हार्ट से मतलब हार्ट में आर्ट्रियम से वेंट्रिकल्स में, एंड वेंट्रिकल से ये टिश्यूज को सप्लाई होगा, एंड देन ये कंटिन्यू ये प्रोसेस जो है पर हम ये बोलते हैं पूरा साइकिल जो होता है पर सेकेंड चलता रहता है। ठीक है, अब होता क्या है इस टाइम पे हम लोग समझते हैं। देखो दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है सिस्टोल और दूसरी होती है डायस्टोल। सिस्टोल हम किसको बोलते हैं? जब एट्रियम या वेंट्रिकल दोनों में से कोई भी पोर्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, उस कंडीशन को हम सिस्टोल बोलते हैं। डायस्टोल का मतलब ये हो गया कि जब कोई भी एट्रियम या फिर वेंट्रिकल जो है वो क्या कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो उसको हम डायस्टोल बोलेंगे। ठीक है, ये कंडीशन आप याद रखिए। अभी देखिए सिस्टोल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिस्टोल जो होता है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। कॉन्ट्रैक्शन किसी भी मसल में कब होगा? जब इंपल्स क्रिएट होगी, एंड उस तरह का हम ये बोलते हैं कि नर्व्स जो इंपल्स क्रिएट होने की वजह से मसल्स जो है उनके अंदर हम ये बोलते हैं कि उनको मैसेज जाएगा, जब उनको मैसेज जाएगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेगी। रिलैक्सेशन तो क्या है, एक हम ये बोल देते हैं कि ये कोई एटीपी, हम ये बोलते हैं कि ये कोई एक्टिविटी नहीं है, ये बोलते हैं दैट इज द कंडीशन। जब रिलैक्स स्टेट आ जाती है, होता ना कि कोई भी एनर्जी वेनर्जी यूज होने वाला कोई ये फंक्शन नहीं है, दैट इज हम ये बोलते हैं कि ठीक है एक तरह का ब्रेक है ये। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मेन एक्टिविटी है जो कि करवाई जाती है। ठीक है, इस चीज को कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। अब देखो होता क्या है, नॉर्मली हार्ट है, ठीक है, मैं इस बार हार्ट जो है उसके अंदर दोनों वॉल जो है वो ऊपर बनाऊंगी। ठीक है, अगर ये मान लिया ये हार्ट है ना, तो यहाँ पे मैं अगर ट्राइकॉस्पिड वॉल बना रही हूँ तो मैं यहीं पे आपको सेमी ल्यूनर वॉल जो है ना वो भी बना दूंगी, जिसके थ्रू ब्लड की सप्लाई वेंट्रिकल से हम ये बोल रहे हैं कि लंग्स को होगी। सेम चीज यहाँ पे बाइकॉस्पिड वॉल मैंने बनाए, लेकिन मैं यहाँ पे एरोटा भी इसी डायरेक्शन में बना देती हूँ, सेमी ल्यूनर वॉल, जहां से हम ये बोल रहे टिश्यूज को ब्लड की सप्लाई होगी। ठीक है, अभी देखिए नॉर्मल कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन क्या है, बाइकॉस्पिड एंड ट्राइकॉस्पिड वॉल दोनों खुले हैं, नॉर्मल स्टेट है। ठीक है, ब्लड जो है वो हम ये कह रहे हैं कि एट्रियम के अंदर आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है, आ रहा है किसके अंदर, एट्रियम के अंदर। अब याद रखिए एट्रियम के अंदर जब वो आ रहा है तो ये वॉल खुले है, इसका मतलब वेंट्रिकल जो है उनमें भी नॉर्मल ब्लड फ्लो तो क्या है, हो रहा है, अभी भी वो क्या है पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं है, उनमें भी ब्लड फ्लो जो है वो हो रहा है एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ, क्योंकि ये वॉल जो है खुले है। अब देखो कंडीशन क्या है, ये वॉल्व जो होते हैं ये वेंट्रिकल में इस तरीके से खुल रहे हैं, जबकि सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ऐसे खुल रहे हैं। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी, यानी कि ये ऐसे खुल रहे हैं जबकि ये ऊपर सेमी ल्यूनर वॉल्व इस तरीके से खुल रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन आप ध्यान रखिए। अब मैं क्या बोल रही हूं कि एट्रियम जो है दोनों के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो भर रहा है, एट्रियम में भर रहा है तो वेंट्रिकल में भी भर रहा है, क्योंकि दोनों वॉल जो है वो ओपन है। लेकिन आप देखो ये ब्लड फ्लो जब इसके अंदर कंटिन्यू होगा एट्रियम के अंदर, तो एट्रियम जो है लेफ्ट एंड राइट एट्रियम जो है ये क्या हो जाएंगे, ये भर जाएंगे किससे, ब्लड से। जब ये ब्लड से भरेंगे तो इनकी वजह से क्या होगा, इनकी जो एट्रियम की वॉल है इस पर प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट करने से एक सिग्नल जाएगा किसके पास में, ये जो आपका राइट एट्रियम के ऊपर राइट साइड के अंदर ऐसे नोड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं, उसको एक सिग्नल जाएगा जिसकी वजह से अब वो क्या करेगा, इंपल्स जनरेट करेगा। ठीक है ना, एक दूसरे को सिग्नलिंग होनी बहुत जरूरी है, तभी सारे फंक्शन हो पाते हैं प्रॉपर। तो जैसे प्रेशर क्रिएट हुआ एट्रियम के अंदर, ब्लड फ्लो जो है बढ़ गया, तो उसे पता चला क्या ऐसे नोड को कि हाँ भैया मुझे अब इंपल्स जनरेट करनी है। तो अब देखो इस कंडीशन से हम कार्डियक साइकिल जो है ना इस पॉइंट से हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट की, ऐसे नोड जब स्टिमुलेट हुआ उसे जनरेट करेगी तो वो क्या करेगा, वो दोनों के दोनों जो एट्रिया है उनको भी क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। स्टिमुलेट करने का मतलब क्या हुआ, स्टिमुलेट करने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों वॉल को उसे उत्तेजित किया कि भैया अब तुम क्या करो, अब तुम कॉन्ट्रैक्शन करो, तुम कॉन्ट्रैक्शन करके अपने आप को खाली करने की कोशिश करो, अब तुम भर गए हो, है ना। तो वो कॉन्ट्रैक्शन करके खाली करने की कोशिश करने, इसको वो क्या कर रहा है, उसने उसको स्टिमुलेट किया एट्रियम को। अब कॉन्ट्रैक्शन अगर एट्रियम करेगा
तो उसकी वजह से क्या होगा, आप देखिए वो कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है ऊपर से, कॉन्ट्रेक्शन की वजह से अब जो ब्लड है वो एट्रियम से किधर जाएगा, वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, जबकि बाइकॉस्पिड एंड ट्राइकॉस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन ही है इस कंडीशन के अंदर। अब इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल। तो अभी एट्रियम क्या कर रहा है, सिस्टोल कर रहा है, ठीक है ना, कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है। जब एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल्स में था, लेकिन उनके कॉन्ट्रेक्शन की वजह से अब वो 30% क्या हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा और बढ़ जाएगा, ठीक है। जब वो 30% और उसकी क्या होगी, ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हुआ, तो अब वेंट्रिकल जो है ना अब वो भरने लगे, वो भरने लगेंगे तो अब वो क्या हो जाएंगे, वो पूरे के पूरे वेंट्रिकल फिल होने लगेंगे, है ना। तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट होने लग जाएगा, तो ब्लड फ्लो जो है वो इसके अंदर बढ़ा। अब जस्ट इसके अंदर जाने से क्या होगा, अब यहां पर हम क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम के लेफ्ट साइड के अंदर, लोअर साइड के अंदर एक नोड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवीएन नोड बोल रहे हैं ना। एवीएन क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो ये और इससे निकलने वाले नोडल फाइबर्स कौन से फाइबर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एवी फाइबर्स बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर फाइबर्स बोलते हैं। फिर उसके आगे उसको हम क्या बोल रहे हैं, बंडल ऑफ हिज बोल रहे हैं, पुरकिंजे फाइबर बोल रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे वेंट्रिकल के अंदर फैले हैं। अब वो इंपल्स जब यहां पर पहुंची तो अब ये क्या करवाएगी, अब ये वेंट्रिकल के पास के अंदर वो पूरे के पूरे वेंट्रिकल को क्या करेगी, इंपल्स भेजेगी कि अब पूरा का पूरा वेंट्रिकल जो है ना वो क्या करे, प्रेशर क्रिएट करे। अब याद रखिए ये प्रेशर हमेशा वेंट्रिकल जो होता है ना, एक तो उसकी क्या होती है, वॉल जो होती है ना वो बड़ी थिक होती है, क्योंकि वही मैक्सिमम प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बॉडी जो है उसको क्या होती है, ब्लड की सप्लाई होती है एरोटा के थ्रू, और उसी के थ्रू जो है आपकी वेंस, पल्मोनरी वेंस के थ्रू जो सप्लाई होती है किसको, लंग्स को होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो अब क्या होगा, इनमें एक्शन पोटेंशियल जब क्रिएट होगा एवीएन में और एवी, अब हम बोल रहे हैं कि एवी जो बंडल है उनके अंदर जब एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अब सिग्नल जाएगा किसके पास में, सिग्नल जाएगा भाई, अब सिग्नल जाएगा वेंट्रिकल के पास में, वो वेंट्रिकल के पास जाएगा और वेंट्रिकल को बोलेगा कि अब तुम सिस्टोल करो, ठीक है। अब जब क्या कंडीशन है कि अब ये देखिए ये हार्ट है ना, अभी हमने बोला कि भाई मैं दोनों को सेम डायरेक्शन बना रही हूं, ये ट्राइकोस्पिड वॉल है, यहां पे मैं सेमी लूनर वॉल भी बना रही हूं, यहां पे भी मैं सेमी लूनर वॉल बना रही हूं, ये मैंने बाइकोस्पिड वॉल बना दिए। अब पूरे का पूरा वेंट्रिकल जो है ना उसके पास में गया है कि अब तुम्हें क्या करना है, सिस्टोल करना है। तो अब ये क्या करेगा, वेंट्रिकल जो है ना वो अब क्या करेगा, कॉन्ट्रेक्शन करेगा, अब वो सिस्टोल करेगा। जब ये कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो इस टाइम के अंदर अपने आप से ये जो आपका एट्रिया है, क्योंकि वो तो अब क्या कर चुका, उसने तो अब कॉन्ट्रेक्शन करके सिस्टोल करके ब्लड जो है उसको सप्लाई कर दिया वेंट्रिकल पे, तो अब वो धीरे धीरे क्या होना शुरू करेगा, क्योंकि अभी इंपल्स आगे भेज दी गई है, तो अब इंपल्स आगे भेजने की वजह से अब एट्रियम तो क्या होना शुरू कर देगा, रिलैक्स होना शुरू करेगा, बट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसी टाइम पे सिस्टोल करेगा। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो इसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये बाइकॉस्पिड वॉल, चूंकि वो ऐसे खुले हैं, अब यहीं से प्रेशर लग रहा है, ब्लड का धक्का लग रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, वॉल जो है ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये वॉल जो है प्रेशर की वजह से बंद हो गए, और जबकि सेमी लूनर वॉल जो है प्रेशर की वजह से खुल गए। जब ये प्रेशर की वजह से वॉल खुल जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो होगा क्या, ब्लड का फ्लो जो है वेंट्रिकल से जाएगा सेमी लूनर वॉल की थ्रू आर्टरीज के अंदर, एरोटा में, और हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है उनमें क्या होगा, ब्लड की सप्लाई होगी। तो अभी क्या हो रहा है, वेंट्रिकल जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे सिस्टोल कर रहे हैं। तो अब इसमें कंप्लीटली वेंट्रिकल जो है ना उसका सिस्टोल का टाइम है। फिर जैसे ही वेंट्रिकल अपना सिस्टोल कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद में धीरे धीरे वापस वेंट्रिकल क्या करेगा, अभी अपने आप से डायस्टोल करेगा। जब वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा, ऐसा नहीं कह रहे हम, इस कंडीशन के अंदर जो आपका एट्रियम है वो भी क्या है, डायस्टोल की कंडीशन में ही है, वो भी रिलैक्स हो रहा है, और जॉइंट जो है ना, दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों का जॉइंट क्या होता है, रिलैक्स होने का टाइम होता है, वो जॉइंटली क्या होता है, रिलैक्स होते हैं, ठीक है। तो जब वो वेंट्रिकल जब वो डायस्टोल करता है तो इस कंडीशन की वजह से क्या हो जाता है, ये बाइकोस्पिड ट्राइकोस्पिड वॉल वापस से खुल जाते हैं, जबकि सेमिल्यूनर वॉल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट साउंड जो आता है, अपन जब स्टेथोस्कोप में ना हार्ट साउंड सुनते हैं, तो फर्स्ट साउंड आता है ना लब का, तो वो लब का साउंड क्यों आता है, क्योंकि उसी टाइम पे वो वेंट्रिकल का जब वो क्या हो रहा होता है, आपका हम बोलते हैं कि सिस्टोल होता है, उस टाइम पे जो आपके बाइकोस्पिड ट्राइकोस्पिड वॉल होते हैं जो क्या हो जाते हैं, बंद होते हैं, जब वो बंद होते हैं तो ये उसका साउंड होता है, ठीक है। तो ये लब जो साउंड आ रहा है वो किसका साउंड आ रहा है, वो इन वॉल के बंद होने का साउंड आ रहा है, जबकि डब जो साउंड आता है वो डब साउंड क्यों आता है, वो डब साउंड आता है जब आपके हम ये बोलते हैं सेमिल्यूनर वॉल जो है वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, तो उनके ओपन होने का क्या होता है, साउंड होता है डब, ठीक है। तो लब साउंड जो, लब एंड डब जो है वो दो साउंड जो है क्रिएट होते हैं जब हम उसको सुनते हैं, है ना, स्टेथोस्कोप पे हम जब हार्ट बीट को जब हम नोटिस करते हैं, तो समझ में आया। तो ये जो पूरा साइकिल हो रहा है, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन क्या हुई कि जॉइंटली एट्रियम जो है उन्होंने क्या किया, सिस्टोल। सेकेंड क्या हुआ, वेंट्रिकल जो है उन्होंने क्या किया, जॉइंटली क्या किया, सिस्टोल।
जब ये सिस्टोल कर रहा है तब एट्रियम डायस्टोल करेगा, लेकिन वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा होगा और बाद में वेंट्रिकल भी क्या करना लगेगा, डायस्टोल करेगा, यानी जॉइंटली एट्रियम एंड वेंट्रिकल की डायस्टोल की स्टेज आएगी, यानी तीन फेजेस के अंदर हो गया ना, एट्रियम ने सिस्टोल किया, देन वेंट्रिकल ने सिस्टोल किया, एंड देन दोनों ने एक साथ में क्या किया, रिलैक्स किया, एंड देन वापस से कॉर्डिक साइकिल शुरू होगा, तब क्या हो जाएगा, वापस से वही सेम कंडीशन हो जाएगी, वापस से वही आपका एट्रियम जो है उसके अंदर ऐसे नोड जो है वो अपना वो स्टिमुलेट होगा, एंड देन वो स्टिमुलेट करेगा किसको, एट्रियम को, कि भैया अब तुम क्या करो, कॉन्ट्रेक्शन करो, एंड देन वो कार्डियक साइकिल वापस से क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, वो टाइम होता है 0.8 सेकंड में हमारा ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि हम कितनी बार, कितना एक स्ट्रोक के अंदर हम कितना ब्लड जो होता है वो पंप करते हैं, तो 70 ml जो ब्लड होता है ना वो हम पंप करते हैं, ठीक है। तो इसको हम ये बोल रहे हैं कि दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कार्डिक साइकिल जो है वो कितने टाइम का होता है, 0.8 सेकंड। उसके अलावा जो फ्रैक्शन है टाइमिंग को हम बांटते हैं कि सिस्टोल में कितना टाइम लगा, वेंट्रिकल के सिस्टोल में कितना टाइम लगा, या फिर कंप्लीटली डायस्टोल है उसके लिए कितना टाइम लगा, तो वो सब चीजें हम लोग ने एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो उनपे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है ईसीजी, कई बार जो होता है ना आप लोग, ये हम ये बोलते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है हमारे हार्ट इसके कार्डियक साइकिल की, वो ली जाती है, ठीक है, जिसको देखकर हम लोगों ने टीवी चैनल पे कई बार देखा होगा ना, वो एक साउंड आता है बीप 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 बीप, एक पी कंटिन्यू वो साउंड आने लग जाता है, लाइन आ जाती है, तो हमें लगता है कि अरे हाँ भाई हमारा फिल्म का हीरो या हीरोइन की अभी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो देखिए उसके लिए वो जो ईसीजी ले रहे होते हैं वो ग्राफिकल जो है हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इलेक्ट्रोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है ईसीजी जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये जो साइन आते हैं ऊपर नीचे ये आखिर क्या है, तो वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर द सबसे पहले ये जो आपको जहाँ से हमारी ये ग्राफिक जो है स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे देखिए एक सा राउंड सा छोटा सा हम ये बोलते हैं कि इस तरीके से क्या होता है, ये इस तरह से ग्राफ जाता है डोम शेप में, ये एक्चुअल में क्या है, इसको हम बोलते हैं पी वेव, ठीक है। ये होता क्यों है, किसकी वजह से होता है, ये होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, सिस्टोल वाली कंडीशन हो रही है एट्रियम के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया एट्रियल डीपोलराइजेशन। उसके बाद में एक छोटी सी लाइन आती है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये एवी नोड ने जो डिले कर दिया है जिसकी वजह से इंपल्स जो है जनरेट नहीं हुई, क्रिएट नहीं है, उसको डिनोट करता है। उसके बाद में देखो ये एक बहुत लंबा सा QRS कॉम्प्लेक्स है, तो ये QRS कॉम्प्लेक्स किसको डिनोट कर रहा है, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को कर रहा है, ठीक है ना। तो वेंट्रिकल जो सिस्टोल कर रहे हैं ये उसको शो कर रहा है। उसके बाद में देखिए वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को, कि वेंट्रिकल्स जो होती है वापस से डायस्टल की स्टेज में जाती है, ये उसको शो करता है, उसको हम बोलते हैं टी वेव्स बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो आपकी ये हम लाइन जो है उसको हम बोल रहे हैं आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, जो एक्चुअल में कोई भी मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ग्राफिकल कोई भी अगर चेंज नहीं आया, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं शो कर पा रहे हैं, कोई इंपल्स की या हार्ट बीट की जो नहीं आ पा रही है, तो उसको ये शो कर रहा है। तो ये ईसीजी जो है उसमें ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप अब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यू अगर इस तरीके से आ रहा है, यानी कि आप समझ जाएंगे कि, और याद रखो ये एक छोटे छोटे ना गैप के बाद में होता है, क्योंकि एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है 0.8 सेकंड में कार्डिक साइकिल, एंड देन फिर 0.8 सेकंड में वापस सेकंड टाइम होगा। तो आप मान लीजिए कि एक साइकिल में ये इस तरीके से आपका वेंट्रिकल जो है डीपोलराइजेशन करेगा, एंड देन फिर वो रीपोलराइजेशन करेगा, एंड देन फिर वो डीपोलराइजेशन करेगा, तो आपको QRS कॉम्प्लेक्स इस तरह से छोटे 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 हम बोलते हैं टाइम इंटरवल के बाद में आपको मिलेंगे। तो अब आप इस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि हार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हमारे पास में इतना ही है डिस्कशन करने के लिए, कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं, तो फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे बताइए कि क्या है रियल आंसर। चलिए ईसीजी इस पे भी डिपेंडेंट हमने दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए आपने लिया स्क्रीनशॉट तो मुझे इसका आंसर फटाफट से बताइए। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।